आज के वीडियो में हम बेसिकली आप पेरेंट्स को हेल्प करेंगे कि किस तरह से आप अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा, फिलहाल सिर्फ इन चारों के साथ चलते हैं कि इन चारों को आपको कैसे क्लियर करना है बच्चों के दिमाग में, ताकि बच्चों को पता हो कि कब कौन सी मात्रा जो है वो शब्द में लगा के एक अक्षर में लगा के आप शब्द प्रॉपर बना सकते हैं। तो ये मात्राएं जब आप सिखाने वाले हो तो इन मात्राओं के पहले भी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। जैसे मेरे मैथ्स के जितने भी टीचिंग सीरीज होती है उसमें भी मैं प्री रिक्विजिट्स बताती हूँ, तो इसमें भी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। पहला प्री रिक्विजिट ये होगा कि आपको बच्चों को वर्णमाला जो है वो सिखा देनी है, यानी कि क ख ग घ सिखा दो और अ आ ई ई, तो स्वर व्यंग और व्यंजन, ये दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है ये बच्चों को आना चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, लिखने आना चाहिए। तो ये था मेरा पहला प्री रिक्विजिट। सेकेंड प्री रिक्विजिट जो है वो मैं सिखाने के हिसाब से बता रही हूँ कि सिखाने के हिसाब से आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप ये इस टाइप का एक हिंदी किट खरीद लो, ये बहुत 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 मनी फ्रेंडली है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पॉकेट के लिए कुछ भी हैवी होगा ये। इसका फायदा ये होता है कि इसमें सारे जो वर्णमाला है उनके अक्षर यहाँ पे लिखे हुए हैं कार्ड्स में, ये काफी थिक कार्ड्स हैं, इजीली बेंड नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, तो इजीली आप बच्चे को इसके साथ इसको यूज कर सकते हो। उसके अलावा जो इसके साथ आता है वो है ये मात्रा के कार्ड्स। तो मैंने अभी छोटी ई बड़ी ई इनके मात्राओं के निकाल रखे हैं कार्ड्स। ये जो कार्ड्स हैं अगेन ये ट्रांसपेरेंट है, इसका रीजन ये है कि जब आप बच्चे को सिखाते हो तो आप इस तरह से सिखाते हो कि ये ट है और अब ये मात्रा का कार्ड लगाने के बाद ये टी बन गया, तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट बनाए हुए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकेंडली एक मात्रा के मल्टीपल कार्ड्स हैं, तो आप एक ही शब्द में कई बार होता है कि दो बार छोटी ई आ रहा है या एक बार छोटी एक बार बड़ी ई आ रहा है, तो इजिली शब्द फॉर्मेशन के लिए आप मल्टीपल मात्रा के कार्ड्स को यूज कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगा कि ये हिंदी किट ने मेरा इनाया को समझाना बहुत आसान कर दिया, और यही चीज जो है आप रेप्लीकेट कर सकते हो अपने आप, यानी कि आप चार्ट पेपर या कोई थिक पेपर लो और उसमें ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस काटो और उसमें ये अक्षर और ये मात्राएं बना लो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत करने से अच्छा अगर पॉकेट फ्रेंडली कोई किट आपको मिल रहा है तो वो लेना ज्यादा फायदेमंद होगा। इस वाले किट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि आप कहां से जाके परचेज कर सकते हो, और अभी आपको स्क्रीन पे इसका प्राइस भी नजर आ रहा होगा। तो चलिए, अब ये था सेकेंड प्री रिक्विजिट कि आपको या तो ये हिंदी किट खरीद लेनी है और या तो फिर आप ऐसा का ऐसा जो है वो अपने आप घर पे बना सकते हैं। एनीवेज आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि आप लोगों को बच्चे को अब जैसे कि हम अ की मात्रा पे आते हैं, सबसे पहले तो अ जो है वो आप लोगों को समझाना है बच्चों को कि अ की कोई अलग से मात्रा नहीं होती। अ जो है वो हर अक्षर में छुपा हुआ होता है। जैसे अगर हम बच्चों को बताएंगे कि यह क ल म, तो इसमें कोई अ की मात्रा नहीं है, हर अक्षर में अ जो है वो छुपा होता है, तो अ की मात्रा तो इस तरह से कवर हो जाती है। आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बच्चों को इस किट के थ्रू फॉर्म करा सकते हो और हेल्प कर सकते हो बच्चों की। अब आते हैं आ की मात्रा पे। तो आ की मात्रा में जो पहली चीज आप खेल सकते हो वो है मात्रा गेम, कि आ की मात्रा लगती कैसे है। कोई भी अक्षर के बाद अगर एक डंडी लगा दी गई है तो वो आ की मात्रा बन जाती है। तो अब आप बच्चों को आ की मात्रा जो है वो दिखा भी सकते हो। जैसे ये है आ की मात्रा, तो आ की मात्रा आप बच्चों को दिखा सकते हो कि इस तरह से दिखता है। आप मात्रा के कार्ड्स बच्चों को दे सकते हो। मात्रा गेम मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ कि किस तरह से खेलेंगे। तो ये हो गई आ की मात्रा। तो अब अगर आपको कोई वर्ड लिखना है, जैसे कि आप वर्ड लिखना चाहते हो आम, तो बच्चों को अ लिखना है। अब आ, तो आ जो साउंड है वो आ की मात्रा के लिए आता है, तो आ की मात्रा के लिए एक लाइन और फिर म, आम, तो म, ये हो गया आम। तो इस तरह से आप आ की मात्रा वाले शब्द जो है वो बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हो। इस और आ में जनरली बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होता है क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब आते हैं छोटी ई और बड़ी ई में। तो ये हो गया छोटी ई
और ये हो गया बड़ी ई। अब बच्चों को इसको छोटी ई को बड़ी ई को पहचानना आना चाहिए। उसके बाद छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा को पहचानना आना चाहिए। तो मेरे पास इस जो हिंदी किट है उसमें बड़ी ई की मात्रा भी है और इसी हिंदी किट में मेरे पास छोटी ई की मात्रा भी है, करेक्ट। तो ये अब मात्रा कार्ड्स, यानी कि आ की मात्रा का कार्ड, ई की मात्रा का कार्ड और बड़ी ई की मात्रा का कार्ड मैं बच्चों को दे दूंगी। बच्चों को जरूर इन मात्राओं के साउंड्स समझना सिखाइए। छोटी ई का साउंड होता है ई, बहुत ही छोटा साउंड ई, और बड़ी ई का साउंड होता है ई। फिर से दोहराऊंगी, ई। तो अब आप लोगों को बच्चों के साथ मात्रा गेम खेलना है। मात्रा गेम कैसे खेलते हैं, आप बच्चों को ये सारी मात्राओं के कार्ड्स उनके हाथ में देंगे। अब आप बच्चों के सामने कुछ आ की मात्रा के शब्द, कुछ छोटी ई मात्रा के शब्द और कुछ बड़ी ई मात्रा के शब्द बोलेंगे और फिर बोलेंगे कि अच्छा अगर बताओ मैंने आपको बोला दीपक, तो दीपक में द में कौन सी मात्रा लगी। तो बच्चे को गैस करना है कि वो आ की मात्रा थी, छोटी ई की मात्रा थी कि बड़ी ई की मात्रा थी। अब चलिए, छोटी ये तो हो गया आपका मात्रा गेम। तो ये आप बच्चों के साथ मल्टीपल टाइम्स खेलिए, मल्टीपल वर्ड्स के साथ। तो इससे बच्चों को प्रैक्टिस होते जाएगी मात्रा को समझने की। दूसरा तरीका छोटी ई और बड़ी ई को समझने का क्या है, जब भी आप कोई वर्ड लोगे, जैसे कि मैंने एक शब्द लिया चित्र, तो अब हमने वर्ड लिया है चित्र, शब्द लिया है चित्र। अब चित्र में बच्चों को छोटी ई की मात्रा लगानी है या बड़ी ई की मात्रा लगानी है, इसके लिए बच्चों को कैसे सिखाएं। तो चित्र को दो तरीके से बोल के देखते हैं, एक ई साउंड के साथ और एक ई साउंड के साथ। ई साउंड के साथ होगा चित्र, चित्र, और अगर इसमें मैं बड़ी ई का साउंड निकालूंगी तो होगा चित्र। तो अब बच्चों से पूछिए कि बच्चों चित्र सही है या चित्र सही है। तो बच्चों को समझ आ गया कि नहीं, चित्र सही है। तो इसका मतलब कौन सी मात्रा लगेगी, छोटी ई की मात्रा। तो हरेक छोटी ई की मात्रा वाले शब्द को बड़ी ई के साथ भी बुलवाइए ताकि उनको क्लेरिफाई लगे कि हाँ इसमें बड़ी ई नहीं आ सकता। जैसे कि अब अगर मैं बोलू विमान, तो बच्चों को बोलिए बेटा एक बार छोटी ई के साथ बोलो तो विमान, विमान। और दूसरा अब बड़ी ई के साथ बोलो विमान, तो विमान होता है या विमान होता है। तो उससे बच्चों को पता चलेगा कि इसमें छोटी ई लगेगा और बड़ी ई नहीं लगेगा। सेम इज द केस विद बड़ी ई के शब्द। अगर बड़ी ई के शब्द हम ले, यानी कि दीपक, अब दीपक में बच्चों को फिर से बोलो कि बच्चों एक बार छोटी ई के साथ बोलो दीपक, दीपक होता है या दीपक। तो अब बच्चों को समझ आ रहा है कि हाँ इसमें तो जब हम ज्यादा साउंड निकाल रहे हैं दीपक तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन दीपक, दीपक सही नहीं लग रहा है, तो इसीलिए इसमें आएगी बड़ी ई। तो इस तरह से साउंड पहचानना आना चाहिए। और छोटी ई और बड़ी ई के केस में हरेक शब्द को दोनों साउंड के साथ बुलवाइए। जो साउंड बच्चे को ठीक लग रहा है सुनने में वो मात्रा आएगी। सिंपल है, लेकिन एक दिन में नहीं समझ आता है बच्चों को। तो ये प्रैक्टिस आपको लगातार हर रोज 4 या 5 शब्दों के साथ कराना है। तो आपको कॉम्बिनेशन, फिलहाल अगर आपने सिर्फ अ आ ई और ई सिखाया है बच्चों को, तो इन चारों मात्राओं के कॉम्बिनेशन के 5 या 6 वर्ड्स आपको चुनने हैं और रोज उस शब्द के साथ बच्चों को ये मात्रा वाले कार्ड्स देने हैं और बच्चों को बोलना है कि बच्चों मेरे को बताओ कि इस अक्षर के साथ इस शब्द में कौन सी मात्रा लगी। तो धीरे धीरे बच्चों को साउंड के साथ साथ मात्रा का कनेक्शन समझ आ जाएगा और उनके लिए अ आ ई और ई ये मात्राएं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो ये था मेरा तरीका इनाया को ये 4 मात्राएं सिखाने का। तो अभी मेरा वीडियो जो है ये फर्स्ट ये 4 मात्राओं के साथ है, फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे टीचिंग सीरीज में, तो मैं आगे की मात्राएं कवर करूंगी। तो प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और उसके बाद अपने बच्चों के साथ जरूर ये ट्रिक ट्राई करिएगा। आई एम
110% श्योर कि हर एक बच्चा जो है वो इस तरह से सिखाने पे कभी भी मात्राओं में कंफ्यूज नहीं होगा। हाय इनू, हेलो। सो गाइस, आई थिंक यू माइट बी सीइंग नाया आफ्टर लिटिल लॉन्गर टाइम, है ना इनू? बीच में आप कुछ वीडियोस में नहीं थे, राइट? सो यू कैन सी हाउ नॉटी शी इज नाउ एंड शी हैज ग्रोन अप ऑल्सो। सो इनू इज काइंड इनफ टू शो अस दैट मात्रा गेम। हम एक्चुअली जब प्ले करते थे तो हम इस किट में से मात्रा दिखाते थे, बट इनाया डजंट वॉन्ट टू यूज द किट नाउ। सो शी वॉट शी सेड इज शी विल ड्रॉ द मात्रा ऑन दिस बोर्ड, राइट इनू? ओके, सो इनू योर फर्स्ट वर्ड इज चित्र। विच मात्रा विल कम? ओके, सो दिस इज बेसिकली छोटी ई, वेरी गुड। और अगर इनू हम इसमें बड़ी ई लगाते तो क्या बन जाता? चित्र। चित्र। तो चित्र होता है कि चित्र होता है ना? चित्र। हाँ, ओके। माई नेक्स्ट वर्ड इज दीपक। ओके, सो इनाया मेड बड़ी, राइट? तो अगर इनू इसमें मैं छोटी ई लगा देती तो क्या बन जाता वर्ड दीपक की जगह? दीपक की जगह क्या बन जाता अगर हम छोटी ई लगाते तो? दीपक, दीपक, है ना? तो दीपक तो होता नहीं है, दीपक होता है ना? अच्छा, और आ की मात्रा तो इज वेरी इजी। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं छाता, तो छ के साथ कौन सी मात्रा लगी इनू? आ की मात्रा, करेक्ट। तो आ की मात्रा तो इज वेरी सिंपल फॉर किड्स। बच्चे कंफ्यूज होना शुरू होते हैं ई की मात्रा से, तो आपने देख लिया कि ई की मात्रा का गेम हमने कैसे खेला। आप भी सिखाइए बच्चों को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे ऊ की मात्रा और ए की मात्रा। ओके इनू, से बाय टू एवरीबॉडी। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय।